हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब का नाम आते ही उसके कानून की तरफ हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में इस देश का कानून सबसे भयानक और खतरनाक माना जाता है। तो आइए हम आपको उसके कुछ खतरनाक कानून बताते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि सऊदी अरब का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, फिर भी इस देश में एक भी नदी नहीं पाई जाती है। काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात है। नंबर 2, सऊदी अरब में महिलाओं को नकाब में ही रहना पड़ता है, और यदि किसी महिला का रेप होता है तो अपराधी को तब तक सजा नहीं मिलती है जब तक अपराध को देखने वाले कम से कम 4 गवाह नहीं हो जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा विचित्र बात है। नंबर 3, सऊदी अरब में किसी भी महिला किसी भी गैर मर्द से नहीं मिल सकती है, चाहे वो मर्द उसके परिवार का ही क्यों ना हो। और जब भी कोई महिला घर से बाहर किसी पब्लिक प्लेस के लिए बाहर निकलती है तो उसके साथ उस महिला के परिवार से कोई सदस्य ज़रूर होना चाहिए। यह कानून पूरे सऊदी अरब में सख्ती के साथ लागू किया गया है, और वहाँ पे इसका काफ़ी सख्ती से पालन भी होता है। चौराहों पर वहाँ क्या आपको पुलिस खड़ी देखने को मिल जाएगी जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखती है, और वहाँ के सीसीटीवी कैमरे इन सब चीज़ों पर नज़र रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई भी टूरिस्ट सऊदी अरब जाता है तो इसको एक बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि आप इस देश में बिना किसी इजाज़त के फ़ोटो नहीं खींच सकते हो, यानी कि सऊदी अरब में बिना किसी के इजाज़त की फ़ोटो नहीं ली जा सकती है। वहाँ की गवर्नमेंट तथा वहाँ की पुलिस से आपको फ़ोटो क्लिक करने के लिए इजाज़त ज़रूर लेनी पड़ेगी। यदि ऐसा करते आप पकड़े गए तो आपका देश का कानून का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से इस देश में घूमने जाने वाले हर एक टूरिस्ट को यह बात काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझा दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल सऊदी अरब में ही बनता है, और यहाँ का तेल की कीमत पानी से भी कम है। यहाँ के तेल की कीमत अगर इंडिया से कैलकुलेट की जाए तो यहाँ का 15 रुपए वहाँ के 1 लीटर तेल के बराबर है। सऊदी अरब मौत की सज़ा देने वाले देशों में 4th नंबर पर आता है। यहाँ पर अपराधी को सर कलम करके मारने की सज़ा दी जाती है। हालाँकि अब सर कलम करके मारने वाले तलवारबाज की कमी के कारण देश में कोई नया रास्ता निकाला जा रहा है मौत की सज़ा देने के लिए। सऊदी अरब में काम करने वाले 80% मजदूर बाहर के देश से हैं, जो ज़्यादातर गैस और तेल के सेक्टर में काम करते हैं। वहाँ पे उनको मोटा पैसा मिलता है। इस्लाम के सबसे पवित्र माने जाने वाले मक्का और मदीना सऊदी अरब में स्थित है, और यहाँ हर साल लाखों की तादाद में मुसलमान आते हैं, और वहाँ पे इस स्थान पर गैर मुस्लिम को जाने की अनुमति भी नहीं दी गई है। यहाँ पे कोई भी हिंदू इंटर भी नहीं हो सकता है। सऊदी अरब में 95% रेगिस्तान ही है, इसलिए यहाँ पर पीने का पानी बहुत ही कम मिलता है, और पीने के पानी की बहुत कमी है। यहाँ पे पानी की कीमत कम से कम यहाँ के पेट्रोल से काफ़ी ज़्यादा है, और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि सऊदी अरब में पेट्रोल और डीजल काफ़ी सस्ते हैं। वहाँ पे जितने पेट्रोल और डीजल सस्ते हैं उससे काफ़ी महंगा पानी वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सऊदी अरब में कोई भी महिला का कार ड्राइवर नहीं चला सकती है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में कोई भी महिला कार की ड्राइविंग चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। सऊदी अरब में बहुत सी ऐसी ज़्यादा मात्रा में सिगरेट पी जाती है। यहाँ के सामान्य लोग हर रोज़ कम से कम 500 रुपये सिर्फ सिगरेट पीने पर ही खर्च कर देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बात है। तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब के कुछ विचित्र फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। सो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।